हमारी जो पर्सनालिटी चली हुई वो चली हुई है 15.3। 15.3 में हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 8 का जो क्वेश्चन है वो है, एक आकृति दी हुई है जिसमें एपी वृत्त का व्यास है, एपी है वृत्त का व्यास, इसमें एससी और बीसी दो भुजाएं दी हुई है। एससी दी हुई है 6, बीसी दी हुई है 8, 6 और 8 यानी एक समकोण त्रिभुज हो गए। अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। हमें निकलना है छायांकित भाग, ये भाग छायांकित है, ये भाग छायांकित है और ये भाग छायांकित है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालने के उससे पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या के लिए हमें AB निकालनी पड़ेगी। तो AB के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय में AB की स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC है, AB का जो मान निकालना है, BC का मान है 8 और AC का मान है 6। 8 की स्क्वायर 64, 6 की स्क्वायर 36, ये हो गया 100 और ये मान आ गया AB स्क्वायर का। AP का जो मान निकालेंगे इसको हटाएंगे तो रूट और 100 का रूट होता है 10। अब त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, त्रिज्या जो आ गई वो आ गई 5 सेमी। हमें निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार AC ऊंचाई BC। पाई का मान यहाँ 22/7 भी ले सकते हैं और पाई का मान 3.14 भी ले सकते हैं। 3.14 ले लें, आर का मान 5 × 5 -1/2। AC का जो मान है वो है 6 और BC का मान है 8, 2 × 8 = 3। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 3.14 से करेंगे तो 78.50 -8 = 24 कितना बचेगा, 54.50 सेमी स्क्वायर। अगर हम इसी क्वेश्चन में पाई का जो मान लेंगे 22/7, अगर पाई का मान 22/7 लेते हैं यहाँ तो 22/7 × 5 × 5 और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 24 है, ये हो जाएगा 550/7 -24। 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 78.57 -24, हटाएंगे तो आएगा 54.57। अगर हम पाई का मान 3.14 ले रहे हैं तो हमारा उत्तर आएगा 54.50, और अगर हम पाई का मान 22/7 ले रहे हैं तो हमारा आएगा 54.57। जब तक हमें दिया हुआ नहीं है पाई का मान 3.14 तो हम 22/7 लेंगे तो ये सही मान लेंगे, इसमें ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 9 का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमें, आकृति दी हुई है हमें, एक ऐसी एक आकृति दी हुई है, इस हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पूछा दी हुई है 10, तो ये देखेंगे हम, ये आकृति है, ये क्या है, एक अर्धवृत्त। ये आकृति क्या है, ये भी एक अर्धवृत्त, ये भी एक अर्धवृत्त और ये भी एक अर्धवृत्त, 4 अर्धवृत्त हो गए, 1, 2, 3, 4। 4 अर्धवृत्तों का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये जो हिस्से हैं ये दो दो बार आते हैं, चारों हिस्से दो दो बार आएंगे और बाकी हिस्सा एक बार। तो हमें छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे,
पूरा क्षेत्रफल कर देंगे। चार अर्धवृत्त, चार पाई का मान होता है, नहीं अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बटे दो वर्ग का भुजा स्क्वायर। दो से कटेंगे तो देगा दो, दो गुणा पाई का मान 22/7। आर का जो मान है वो कितना दिया गया, भुजा 10 है, त्रिज्या 5 हो जाएगी, 5। और यहाँ पाई का जो मान 3.14 दिया हुआ है हमें, पाई का मान 3.14 दिया हुआ है और भुजा का मान दिया हुआ है 10। 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 2 से करेंगे 50, 50 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 157 माइनस 10 की स्क्वायर, सो कितना देगा 57 सेमी स्क्वायर। यहाँ पाई का मान हमें दिया हुआ है पहले से 3.14, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है, हमें एक बड़ा सा वृत्त अर्धवृत्त दिया हुआ है और इसके अंदर एक वृत्त दिया हुआ है। बड़े अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 7, तो ये भी 7 हो जाएगी। तो ये छोटे वृत्त का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5, वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का जो मान है वो 3.5 7 से काटते हैं 0.5, यह आ जाएगा 22 को 0.5 से गुणा किया तो आ गया 11, और 11 को 3.5 से गुणा करेंगे 11 को 3.5 से गुणा किया तो आ गया 38.5 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है R1 और R2 दो त्रिज्याएं दी हुई हैं, R1 और R2 वाले वृत्तों की परिधियों का योग, इन दोनों से जो वृत्त बनेगा उनकी परिधियों का योग एक R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। इन दोनों की परिधि 2πr और 2πr2, इनका योग किसके बराबर है 2πr के बराबर है, R त्रिज्या वाले वृत्त के बराबर है। इसमें 2π को मान ले काट देंगे तो क्या आ जाएगा R1+R2 बराबर क्या देगा आर, ये हमारा समीकरण आ गया। अगर इसी प्रकार क्षेत्रफल पूछ ले तो पाई R1² पाई R2² बराबर पाई R², पाई को मले काट देंगे क्या हो जाएगा R1² R2² बराबर R². क्वेश्चन नंबर जो 12 का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया था, जो पहला क्वेश्चन है सेम वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेंगे, इसी प्रश्नावली के पहले हमें उदाहरण नंबर 12 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 12 में हमें एक आकृति दी हुई है इस तरीके से, इस हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो छाया की डिजाइन दी हुई है इस हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है, और ये दो चतुर्थांशों के बीच की आकृति बनी हुई है, तो यहाँ इसकी भुजा दी हुई है 8 सेमी, चतुर्थांश की त्रिज्या भी 8 सेमी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास एक चतुर्थांश, ये और ये, इसी प्रकार ये और ये, दो चतुर्थांश हो गए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, दो तिरछे खंडों का क्षेत्रफल। में से माइनस क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, दो त्रिज्या खंड है, दो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। या त्रिज्या खंड के बजाय हम चतुर्थांश भी कर सकते हैं, इसकी जगह चतुर्थांश करेंगे तो चतुर्थांश के लिए पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, दो पाई आर स्क्वायर बटे 4 चतुर्थांश, और वर्ग का भुजा स्क्वायर, दो से काट देंगे दो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस भुजा स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का जो मान है वो दिया हुआ है 8 × 8 थीटा मान दिया नहीं बटे 2 दिया हुआ, भुजा का मान दिया हुआ है 8, दो से काटेंगे 4, इनको गुणा कर लेंगे 4 × 8 = 32, 32 को करेंगे 22 से गुणा, 32 को 22 से गुणा करेंगे तो रहेगा 704/7, 8 × 8 =
64, लघुत्तम रेख कर लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो आएगा 704, 7 लघुत्तम आ जाएगा, 64 को करेंगे तो आ जाएगा 448, घटाएंगे तो आएगा 256, आ जाएगा 256 बटे 7 सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक उदाहरण और है इसमें, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में दिया हुआ है हमें एक वर्गाकार परक, इसे वर्गाकार, इसके जो विकिरण है उसके प्रतिशत बिंदु को केंद्र मानकर दो वृत्ताकार भाग खींचे गए, इस तरीके से दो वृत्ताकार भाग। तो क्या करेंगे, हमें इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी जो भुजा हमें दी हुई है 58 मीटर, तो पहले हम इसका विकिरण निकाल लेंगे, पारक की भुजा, पारक की भुजा दी हुई है हमें 58 मीटर, तो उसका विकिरण कितना हो जाएगा, 58√2 मीटर। हमें निकालनी है इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, ये इसको केंद्र मान के ये त्रिज्या हो जाएगी, ये वृत्ताकार भाग खींच दिया तो ये त्रिज्या कितनी होगी, तो वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी जी कहती हो जाएगी, बढ़ाऊंगा था 29√2 मीटर। अब हमें निकालना है तो वर्गाकार भाग और वृत्ताकार भागों को निकाल के जोड़ना है, तो पहले निकाल लो वर्गाकार भाग का, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, भुजा का मान है 58 स्क्वायर, और 58 की जो स्क्वायर होती है वो होती है 3364 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालने हैं वृत्ताकार भागों के क्षेत्रफल, लिखेंगे वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भागों का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, और ये कैसी आकृति है, वृत्तखंड जैसी, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, 2π का मान 22/7, r का जो मान है वह 29√2 थीटा का मान है 90 और 360 है, 1/2 r² 29√2 × 29√2 तो साइन 90 का मान 1। 90 क्यों आया, क्योंकि एक केंद्र पर बना कोण वर्ग के जो विकिरण है वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये 90 डिग्री आ जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार काट देंगे, 2√2 को 22 से करेंगे 44 × 29 × 29/4 × 7 × 4, √2 को √2 से क्या, 2 से 2 कट जाएगा, √2 को 2 से काट देंगे, 29 × 29 आ जाएगा, काट देंगे 4 से काटेंगे तो 11, 29 को 29 से गुणा करेंगे और फिर 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9251 और बटे में 7 है, 29 की स्क्वायर 841, 9251 में 7 का भाग देंगे तो 1321.57, 841, 2 घटाएंगे तो आएगा 480.57, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 961.14 मीटर स्क्वायर। तो कुल मैदान का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो लिखो मैदान का कुल क्षेत्रफल, मैदान का कुल क्षेत्रफल दोनों भागों को जोड़ देंगे वर्गाकार और वृत्ताकार दोनों को, तो वर्गाकार था हमारा 3364 और यह आया है 961.14, जोड़ेंगे तो आएगा 4325.14 मीटर स्क्वायर। ये हमारी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 15।
अब आगे कोई नई प्रश्नावली लेकर हम हाजिर होंगे।